कोनिचिवा मिनासान, मैं चुमकी आप सबका वेलकम करती हूँ ओहायो जैपनीज में। तो मीना नो निहोंगो बुक को फॉलो करते हुए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जानेंगे लेसन 12 के वोकैबुलरीज और उनके प्रोनाउंसिएशन और साथ ही उन वोकैब से बनने वाले सेंटेंसेस। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला वर्ड है कांतान्ना। कांतान्ना इजी और सिंपल मतलब आसान। कोनो मोंदाय वा कांतान देस, ये सवाल आसान है। चिकाई चिकाई नियर मतलब पास। वाताशी नो इए वा एकीकारा चिकाई देस, मेरा घर स्टेशन से पास है। तोई तोई फार दूर। कोको कारा एकी वा दोनों कुराई तोई देस का, यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है। हयाई हयाई फास्ट या अर्ली, तो हयाई का यहाँ देख सकते हैं आप कि दो कांजी है, दोनों का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। एक है फास्ट जो बहुत स्पीड होता है तेज, और दूसरा है अर्ली यानी जल्दी, किसी स्पेसिफिक टाइम से जल्दी हो जाना। पर हिरागाना सेम है, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चल जाएगा कि कौन से हयाई के बारे में बोला जा रहा है। जैसे कारे वा हाशिरु नोगा हयाई देस, हाशिरिमास यानी रन मतलब वो तेज भागता है, ठीक है, जल्दी नहीं होगा इसका मतलब होगा तेज। नेक्स्ट ओसोई ओसोई स्लो और लेट, तो यहाँ भी दो मीनिंग है लेकिन दोनों के लिए ओसोई हम एक ही कांजी और एक ही वोकैब यूज करते हैं। कारे वा इत्सुमो शिगोतोनी ओसोई देस मतलब वो हमेशा काम में लेट होता है। ओय ओय मैनी मच बहुत। वाताशी नो गाकोनी क्योशिगा ओय देस, मेरे स्कूल में बहुत टीचर्स हैं। सुकुनाई सुकुनाई फ्यू अ लिटिल कम। क्योवा गाकसेगा सुकुनाई देस, आज स्टूडेंट्स कम हैं। आता तकाई वार्म, तो आता तकाई का भी दो मतलब है, कांजी भी दो अलग अलग है। जो पहला आता तकाई का कांजी है वो यूज करते हैं हम टेम्परेचर के लिए, एयर के लिए, यानी हमारा वेदर के बारे में जब बोलते हैं हम तब यूज करते हैं। और दूसरा आता तकाई है जो छूने में वार्म है, ठीक है। तो आता तकाई और आत्सुई में फर्क है, आत्सुई का मतलब होता है हॉट, लेकिन आता तकाई है वार्म जो कि फील गुड वाला फैक्टर है, ठीक है, जो रिफ्रेशिंग होता है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तब हम अगर कोई वार्म जगह है वहाँ पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हॉट नहीं होता है। हम हिंदी में दोनों को ही गर्म ही बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में भी हम इसको डिफरेंट ही बोलते हैं, जैसे हॉट और वार्म। तो आप इंग्लिश से इसको याद रखना कि ये है वार्म, आता तकाई का मतलब वार्म और आत्सुई का मतलब होता है हॉट। फॉर एग्जाम्पल कोनो हेया वा तोतेमो आता तकाई देस, ये रूम ये कमरा बहुत गर्म है। तो हिंदी में तो हम गर्म बोल सकते हैं लेकिन इंग्लिश में होगा वार्म, दिस रूम इज वेरी वार्म, कंफर्टेबल वाला गर्म। नेक्स्ट सुजुशी सुजुशी कूल, तो ये भी क्या है वार्म के जैसा, कोल्ड नहीं है, सामुई नहीं है। सामुई का मतलब या फिर सुमेताई का मतलब होता है कोल्ड, लेकिन सुजुशी होता है कूल, ठीक है। क्यों वा सुजुशी देश, आज ठंड है यानी कंफर्टेबल वाला ठंड, जो गर्मी में हमें ठंड चाहिए वो वाला अगर ठंड है तो सुजुशी है। नेक्स्ट अमाई अमाई स्वीट यानी मीठा। अमाई मोनो ओ ताबे मासेन, मैं मीठा नहीं खाता या मैं मीठा नहीं खाती। कड़ाई कड़ाई स्पाइसी हॉट जो होता है तेज तीखा वाला। कोनो सूप हुआ कड़ाई देस, ये सूप स्पाइसी है। ओमोई ओमोई हैवी भारी। सोनो काबान वा ओमोई देस का, क्या वो बैग भारी है। काड़ुई काड़ुई
लाइट हल्का कोनो चुकुएवा काडुई देस ये डेस्क हल्का है ई ई प्रीफर तो ई का हमें एक और मतलब मिला था कि गुड ई देस लेकिन ई को हम प्रिफरेंस के लिए भी यूज करते हैं कि दो तीन चीजों में आप कौन सा पसंद करते हो कौन सा प्रीफर करते हो उसके लिए भी ई यूज होता है जैसे को ही गा ई देस मतलब मैं कॉफी लूंगी या फिर मुझे कॉफी पसंद है किसेत्सु किसेत्सु सीजन मौसम कोरेवा साकुरा नो किसेत्सु देस ये चेरी ब्लॉसम का मौसम है नेक्स्ट हारू हारू स्प्रिंग तो हारू बोला जाता है स्प्रिंग सीजन को हारू वा तानोशी किसेत्सु देस तो स्प्रिंग एक मजेदार सीजन है नेक्स्ट नात्सु नात्सु समर वताशी वा नात्सु गा किराई देस मतलब मुझे समर पसंद नहीं है आकी आकी ऑटम ऑटम सीजन को बोलते हैं आकी आकी नी कीनो हागा ओचिमास ओचिमास का मतलब होता है फॉल गिरना तो कीनो हा का मतलब होता है लीफ इसका मतलब ऑटम सीजन में पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं नेक्स्ट फुयू फुयू विंटर विंटर सीजन को बोलते हैं फुयू कोतोशिनो फुयू वा यूकी गा ताकुसान फुरिमाश्ता इसका मतलब है इस साल विंटर में बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ है टैंकी टैंकी वेदर क्यों वा ई टैंकी देस आज मौसम अच्छा है आमे आमे रेन या फिर रेनी इमा आमे गा फुत्ते इमास अभी बारिश हो रही है यूकी यूकी स्नो फुत्सु का कान यूकी गा फुरिमाश्ता दो दिन तक स्नोफॉल हुआ है कुमोड़ी कुमोड़ी क्लाउडी तो बादलों से जब भरा होता है बारिश से पहले वाला एटमोस्फियर उसको हम बोलते हैं कुमोड़ी क्यों नो तेंकी वा कुमोड़ी देस आज का मौसम क्लाउडी है होतेरु होतेरु होटल कोनो होतेरु नी पूरु गा अरिमास पूरु मतलब पूल तो इस होटल में स्विमिंग पूल है कूको एयरपोर्ट वाताशी वा ताकुशी दे कूको ए इकिमाश्ता मैं टैक्सी से एयरपोर्ट गई थी उमी उमी सी या ओशन दोनों को उमी बोला जाता है उमी दे ओयोगिताई देस मैं समुंदर में तैरना चाहती हूँ या मैं समुंदर में तैरना चाहता हूँ सेकाई सेकाई वर्ल्ड रशिया वा सेकाई दे इचिबान ओ किनाकुनी देस रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है पाती पाती पार्टी कौन बान पाती ओ शिमास तो जैसे हम प्ले के लिए नानी नानी ओ शिमास टेनिसु ओ शिमास बोलते हैं इसी तरह पार्टी करेंगे वो भी हम बोलेंगे पाती ओ शिमास आज रात में पार्टी करूंगा या करूंगी ओमात्सुरी ओमात्सुरी जहाँ ओ ऑनरिफिक है मात्सुरी का मतलब होता है फेस्टिवल त्योहार दिवाली वा इन दोनों ओमात्सुरी देस दिवाली इंडिया का त्योहार है शिकेन शिकेन एग्जामिनेशन कानोजो वा शिकेन नी गोकाकु शिमाश्ता उसने एग्जाम में पास किया है सुकियाकी 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 बीफ एंड वेजिटेबल हॉटपॉट जो समझ आ गया आपको कि वेजिटेबल और बीफ से बनता है रेसुतोरान दे सुकियाकी ओ तावे माश्ता मैंने रेस्टोरेंट में सुकियाकी खाया था साशिमी 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 भी एक जैपनीज डिश होता है जो स्लाइस्ड रॉ फिश से बनता है कच्चे मछली से बनता है वताशी वा साशिमी गा किराई देस मुझे साशिमी ना पसंद है ओसुशी ओसुशी सुशी जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सबको पता है कि एक जैपनीज डिश है जो राइस और
वेजिटेबल या फिर फिश किसी से भी बनाया जाता है। सो कौन या सुशी हो तावेनी इकिमासे एंका, क्या आज रात को सुशी खाने चलेंगे? टेम्पुरा 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 सी फूड एंड वेजिटेबल्स डीप फ्राइड इन बैटर, तो बैटर में लपेट के जो हम पकोड़े तलते हैं ना किसी भी चीज का, उसको ही बोलते हैं टेम्पुरा। किनो टेम्पुरा ओ सुकुड़ी माश्ता, कल मैंने टेम्पुरा बनाया था। इकेबाना 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 है फ्लावर अरेंजमेंट, जो एक जैपनीज कल्चर है, इसको प्रॉपरली सिखा जाता है। सो इकेबाना वा निहोन नो बुंका देस, मतलब इकेबाना एक जैपनीज कल्चर का हिस्सा है। नेक्स्ट मोमीजी मोमीजी मैपल रेड लीव्स ऑफ ऑटम, मैपल लीफ या फिर ऑटम के जो रेड लीफ होते हैं, ऑटम सीजन में जो पत्तों का कलर लाल हो जाते हैं, उनको भी बोलते हैं मोमीजी। दोचीरा दोचीरा व्हिच वन बिटवीन टू थिंग्स, कौन सा जब पूछना होता है दो चीजों में, तब हम यूज करते हैं दोचीरा। जैसे नीकू तो सकाना दोचीरा गा सुकी देश का, तो नीकू का मतलब होता है मीट, सकाना फिश। तो मीट या फिर फिश, मांस या फिर मछली में आपको कौन सा पसंद है? दोचीरामो बोथ, दोनों, कोई दो ऑप्शन है और दोनों के बारे में बोलना होता है तब यूज होता है दोचीरामो। निकुमो सकानामो दोचीरामो सुकी देश, मुझे मांस और मछली दोनों पसंद है। जुत्तो जुत्तो बाई फार या फिर कंटिन्यूसली, लगातार बोलने के लिए हम जुत्तो यूज करते हैं। जैसे वताशी वा कौनशु जुत्तो इसोगाशिकत्ता, इस हफ्ते में लगातार बिजी था, मतलब थोड़ा भी मुझे फ्री टाइम नहीं मिला था। हाजी मेते फॉर द फर्स्ट टाइम, आप अपने लाइफ में कोई चीज पहली बार कर रहे हैं उसके लिए यूज होता है हाजी मेते। फॉर एग्जाम्पल वताशी वा हाजी मेते निहोन नी किमाश्ता, मैं पहली बार जापान आई हूँ। तो ये थे लेसन 12 के वोकैबुलरीज, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने जापनी सीखने वाले दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, सायोनारा।